हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के शुरू में हम बात करेंगे फाइनल एपिसोड ऑफ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बिफोर एक्सट्रीम रूल्स 2020, यानी कि एक्सट्रीम रूल्स से पहले का जो स्मैकडाउन होगा वहां पे हमें कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट देखने को मिलेगा और कैसे वहां पे एक चैंपियनशिप का मैच भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो एंड तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियली थिंग से। तो गाइस, सबसे पहले ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैट रिडल वर्सेस एज स्टाइल का मैच देखने को मिलेगा। वेल गाइस, लास्ट वीक के मतलब स्मैकडाउन में हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है कि ये बोले कि इंटरव्यू देखने को मिलता है एज स्टाइल का, जिनसे उसे पूछा जाता है कि आपका ओपोनेंट कौन होगा। तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि उनके लायक ओपोनेंट कौन ही है स्मैकडाउन में। लेकिन फ्रेंड्स, ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि मैट रिडल वर्सेज एज स्टाइल का मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और गाइस, इसमें नोट करने वाली इस मैच में ये बात है, क्योंकि आपको याद होगा कि मैट रिडल अपना डेब्यू में ही एज स्टाइल को हराते हैं। तो क्या पता फ्रेंड्स, इस मैच को शायद मैट रिडल जीत भी जाए और वो हरा दे एज स्टाइल को। ये तो फ्रेंड्स ऐसा होगा कि इस मैच को और करने बल्कि एज स्टाइल जीत जाएंगे और वो रिटेन कर लेंगे अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को। नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा ईटर ऑफ वर्ल्ड ब्रे वैट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में। गाइज, आपको तो पता हो कि ये स्मैकडाउन हमें फाइनल एपिसोड का स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है बिफोर एक्सट्रीम रूल्स 2020, यानी कि एक्सट्रीम रूल्स से पहले का हमें फाइनल एपिसोड का स्मैकडाउन देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने मनी इन द बैंक से लेके अगर आपने एक्सट्रीम रूल्स तक ने मतलब इनके रिवलरी को फॉलो किया होगा तो एक भी बार हमें रिंग में कोलैब नहीं देखने को मिला है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें इस बार शायद रिंग में कोलैब देखने को मिल सकता है। नहीं तो गाइज, जैसा होता है हमें माइक का प्रोमो देखने को मिलता है, हो सकता है कुछ इसी प्रकार का हमें प्रोमो देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है फिर से जेफ हार्डी और सेमस का। गाइज, आपको तो पता होगा अगर आपने पास्ट वीक का स्मैकडाउन को फॉलो किया होगा तो जेफ हार्डी के मतलब क्या करते हैं, उनको दारू को वो पार्टी देने का कोशिश करते हैं सेमस, और वो जो वहाँ पे वेटर रहता है उन्हीं के सर पे वो फेंक देते हैं। और जैसा कि गाइज आपको पता हो कि मिस बोलते हैं कि जो तुम्हें अच्छा सेफ प्लेस लगता है तुम क्यों नहीं वहाँ पे जाके सेमस से फाइट करते हो, और वो खुद बताते हैं कि वो और प्लेस और कहीं बल्कि बाढ़ है, तो तुम क्यों नहीं बाढ़ फाइट मैच रेसल करते उससे। तो गाइज, हो सकता है कल के स्मैकडाउन में ऑफिशियली एडवर्टाइज हो जाए कि एट एक्सट्रीम रूल्स 2020 बार फाइट मैच हमें देखने को मिलेगा सेमस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। अगर फ्रेंड्स ये मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स 2020 में देखने को मिलता है तो हो सकता है कल ये हमें ये हिंट मिल जाएगा कि शायद ये मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स 2020 में देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट या सेकेंड लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है वुमेंस डिवीजन की तरफ से, यानी कि निकी क्रॉस, बेली एंड साशा बैंक एंड एलेक्सा ब्लिस की तरफ से। वेल गाइज, आपको तो पता हो कि स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए एट एक्सट्रीम रूल्स 2020 निकी क्रॉस वर्सेस बेली का मैच देखने को मिलने वाला है, और इस मैच में ऑन द लाइन होने वाली है स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप, और एलेक्सा ब्लिस को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो हो सकता है कि शायद हमें बहुत तगड़ा क्लैश देखने को मिल सकता है निकी क्रॉस और बेली के बीच में, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि उस क्लैश में ऐड हो सकती हैं एलेक्सा ब्लिस एंड साशा बैंक, यानी कि ऐसा हो सकता है कि दोनों टैग टीम के मेंबर यानी कि साशा बैंक एंड बेली एक तरफ हो जाएंगे, एलेक्सा ब्लिस एंड निकी क्रॉस एक तरफ हो जाएंगे, और काफी तगड़ा हमें क्लैश देखने को मिल सकता है रिंग में। क्योंकि गाइज, आपको नोट करने वाली बात यह है कि हमें फाइनल एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन देखने को मिलेगा बिफोर एक्सट्रीम रूल्स 2020, और एक्सट्रीम रूल्स को धांसू बनाने के लिए WWE स्मैकडाउन को बहुत धांसू बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि सभी लोग का एक्सपेक्टेशन रहेगा इस पेपर व्यू से। और नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है कल के स्मैकडाउन में, और ये सेगमेंट हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस न्यू डे एंड शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो के बीच में। वेल गाइस, लास्ट वीक के मतलब स्मैकडाउन में इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, और इस मैच को वो लोग हार जाते हैं, और उसके बाद होता क्या है, वो लोग अपना गुस्सा निकाल देते हैं न्यू डे पे अटैक काफी तरीके से करते हैं, और वो टीएल्स यानी कि वो जो टेबल्स होता है टेबल्स पे भी वो मतलब उनको बॉडी को उनको पटक देते हैं। तो गाइज, ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी रूमर्स फैल रहा है कि एक्सट्रीम रूल्स 2020 में हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए न्यू डे वर्सेस शिंसुके नाकामुरा एंड सीजारो के बीच में मैच देखने को मिल सकता है, जिस मैच में स्टिपुलेशन ऐड हो सकता है कि ये मैच हमें टेबल्स मैच देखने को मिल सकता है। विल गाइज, हमें देखना होगा कि कल ये मैच ऑफिशियली एडवर्टाइज होता है कि नहीं एक्सट्रीम रूल्स 2020 के लिए। तो गाइज, यही कुछ मैचेज और सेगमेंट है जो कि ऑफिशियली एडवर्टाइज हुए हैं, और कुछ रूमर्स है जो कि मे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली, बाय फ्रेंड्स।